इस आश्रम के प्रमुख श्रद्धेय स्वामी विष्णुपादानंद जी, स्वामी बलभद्रानंद जी मेरे सम्मुख बैठे हुए सन्यासी तथा ब्रह्मचारी वृंद, भक्त मंडली, आज हम चर्चा कर रहे हैं श्री रामकृष्ण के जीवन तथा संदेश पर। मेरा पूर्व वक्ता बता रहे थे कि श्री रामकृष्ण का जो संदेश है वह है सार्वभौम, द मैसेज ऑफ श्री रामकृष्ण इज यूनिवर्सल। आप सभी जानते हैं जब भगवान मनुष्य शरीर धारण कर इस धराधाम में आते हैं तब कोई कारण होता है, ऐसे ही नहीं अवतरित होते। और गीता में साफ साफ भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर हम संक्षिप्त रूप में इसको कहें तो धर्म की जो ग्लानी जब होती है तब भगवान अवतरित होते हैं। बहुत सारे अवतार अवतरित हो चुके हैं और 19वीं शताब्दी में अवतरित होते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस। अवतरित होने का कारण क्या है, वे क्यों अवतरित होते हैं, उस समय का अगर हम प्रेक्षापट को देखें तब देखेंगे एक धर्म संकट उस समय उपस्थित हुआ था, बहुत बड़ा धर्म संकट। जैसे मेरा पूर्व वक्ता बता रहे थे कि भारतवर्ष में अंग्रेजों ने बहुत दिन तक राज किया और राज करने का समय क्रिश्चियन मिशनरी के लोग यही प्रचार और प्रसार करते थे कि हिंदू धर्म में कोई भी वैज्ञानिक सत्यता नहीं है, हिंदू धर्म तो केवल बात की बात है, कुसंस्कारों से भरा हुआ है। ऐसे बहुत सारे विद्वान जो समय होते थे वो यही जानते थे। एक राजनीतिक विद्वान तो यही कह बैठे कि रिलीजन इज ओपियम, धर्म तो केवल आफिन है और धर्म में इस हिंदू धर्म में कुछ भी रखा नहीं है। अगर तुम भगवान ईश्वर के पास पहुंचना चाहते हो तो हिंदू धर्म से नहीं होगा, ईसाई धर्म को ही अपनाना पड़ेगा। और वो जोर शोर से ही प्रचार करते थे और प्रचार करने का कारण हिंदू धर्म के लोग के मन में एक शंका उपस्थित हो गई, संदेह उपस्थित हो गया, क्या सचमुच हिंदू धर्म में कुछ भी नहीं है, हिंदू धर्म की केवल जादू टोना मात्र है। एक प्रकार का संदेह शंका उपस्थित हो गई और लोग दुविधा में पड़ गए, क्या हिंदू धर्म को अपना पकड़ के रखे या छोड़ दे। कुछ कुछ लोग तो अपना हिंदू धर्म को पकड़ के रखे और बहुत सारे लोग ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो गए। इतिहास कहता है, केवल यही नहीं, अगर 19वीं ईस्वी को अगर हम देखें, जिस ईस्वी में 19th century, उस ईस्वी में विज्ञान और तकनीकी की बहुत जोरदार उन्नति हुई थी, बहुत जोरदार उन्नति, और बड़ा बड़ा आविष्कार तभी संभव हुआ था उस समय 19वीं शताब्दी में, और लोग विज्ञान पर बहुत ही भरोसा करने लग गए थे, लोग उस समय विज्ञान मनस्क हो गए थे। और विज्ञान मनस्क होने के नाते उस समय के लोग जब भी कुछ अगर उनको मानना पड़ता था तब वो प्रमाण चाहते थे, प्रूफ चाहते थे। विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान तो यही कहता है कि अगर हमको कुछ मानना पड़ता है, अगर हम कुछ मानेंगे तभी मानेंगे जब हमको प्रमाण मिलेगा। इसलिए उस समय वो चाहते थे कि हिंदू धर्म जो है वो उसमें क्या है वो प्रमाण करे, हिंदू धर्म में कोई वैज्ञानिक सत्यता है या नहीं, ना केवल हिंदू धर्म बात की बात है ना जादू टोना है, वो तो प्रमाण करे। इसलिए जो विज्ञान मनुष्य लोग उस समय हिंदू धर्म को छोड़ रहे थे, हिंदू धर्म से उसका विश्वास धीरे धीरे अपना धर्म से हट रहा था, एक बहुत बड़ा धर्म संकट उपस्थित हुआ उस समय। जैसे हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे, बड़े बड़े समाज सुधारक उस समय आए थे
जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर इत्यादि इत्यादि बहुत सारे समाज सुधारक, उन्होंने यही सोचा कि हिंदू धर्म से अगर कुछ रिचुअल्स, पूजा पाठ, विश्वास, रीति नीति को कुछ अगर निकाल दिया जाए और निकाल देने से शायद हिंदू धर्म को फिर लोग अपनाने लगेंगे, हिंदू धर्म को लोग ग्रहण करने लगेंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि सबसे पहले हिंदू धर्म से मूर्ति पूजा को निकाल देना है। और वो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा है उसको निकालना चाहिए, और उन्होंने हिंदू धर्म से मूर्ति पूजा को बिल्कुल निकाल दिया और उसे एक समाज, एक संप्रदाय का उद्भव हुआ जिसका नाम शायद आप जानते हैं, ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज का यही तत्व था, यही संदेश था कि मूर्ति निराकार उपासना, निराकार उपासना, साकार उपासना नहीं। मूर्ति पूजा को बिल्कुल उन्होंने निकाल दिया, नकार दिया। उसके बाद बहुत सारे संप्रदाय का उद्भव हुआ उस समय, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी, दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज, बंगाल में हुआ यंग बंगाल, बहुत सारे संप्रदाय का उद्भव हुआ जिन्होंने हिंदू धर्म को तोड़ मरोड़ कर और कुछ ऐसा उन्होंने सोचा कि हिंदू धर्म से इधर कुछ जोड़ देंगे, कुछ निकाल देंगे तो शायद हिंदू धर्म को लोग फिर अपनाना लगेंगे। लेकिन वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लोग और विभ्रांत हो गए, लोग इधर उधर भटकने लगे कि क्या है हिंदू धर्म, ये भगवान है या नहीं। इस दुविधा में लोग पड़ गए और तब उस धर्म संकट में उपस्थित होते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस। वो क्या करते हैं, उन्होंने कुछ कोई नई बातें नहीं कही, उन्होंने कुछ नया धर्म या संप्रदाय का प्रवर्तन नहीं किया। उन्होंने जो सनातन धर्म है, जिसको कहते हैं इटर्नल रिलीजन, उसी का उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। इटर्नल रिलीजन, सनातन धर्म, उसी का उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। युग के प्रयोजन के अनुसार उन्होंने सनातन धर्म का ही प्रचार और प्रसार किया। जैसे हम जानते हैं युग का प्रयोजन जो होता है, भिन्न भिन्न प्रयोजन होते हैं। जिसे 19वीं सदी में जो प्रयोजन था वो प्रयोजन और कुछ था, और उस प्रयोजन के अनुसार श्री रामकृष्ण ने सनातन हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार किया। और श्री रामकृष्ण का जो संदेश था वो संदेश केवल कोई जाति या देश के लिए नहीं, श्री रामकृष्ण का जो संदेश था वो संदेश था सार्वभौम संदेश, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल मैसेज ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस। और ये क्या था उसका सार्वभौम संदेश, महाराज ने हमको ये बहुत बड़ा गुरुदायित्व दिया है कि शायद सर्वलोकानंद जी श्री रामकृष्ण के की वाणी पर कुछ बोलेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पे उन्होंने सौंप दिए हैं, मैं कोशिश करूंगा उनको थोड़ा सा कहने के लिए। तो क्या है सार्वभौम संदेश, सार्वभौम संदेश अगर देखेंगे उस समय जो युग का प्रयोजन था वो प्रयोजन था सर्वधर्म समन्वय का प्रयोजन। ये धर्म का जो दंड, कौन धर्म बड़ा है, कौन धर्म छोटा है, कौन धर्म ऊंचा है और कौन धर्म नीचा है, ये जो धर्म का जो दंड बहुत दिनों से चला आ रहा है, हजारों हजारों साल से ये धर्म दंड चला आ रहा है। और धर्म, हर एक धर्म के अनुयायी लोग यही कोशिश कर रहे थे कि अपने धर्म को श्रेष्ठ प्रतिपन्न करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए। आप शायद जानते होंगे जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें स्वामी विवेकानंद जी भाग लिए थे, और उस विश्व धर्म सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य था कि ईसाई धर्म को श्रेष्ठ प्रमाणित करना। लेकिन वो सोच रहे थे कुछ, लेकिन ईश्वर की इच्छा कोई दूसरी थी। जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी शिकागो धर्म सभा में, विश्व धर्म सम्मेलन में, और जाते हैं, कहते हैं कि कोई धर्म छोटा नहीं, कोई धर्म बड़ा नहीं, सब धर्म ही सत्य है,
और सर्वधर्म के माध्यम से ही हम एक लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं, एक ही सत्य पर पहुंच सकते हैं, जो उन्होंने सुना था अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस से कि सर्वधर्म ही सत्य है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, क्यों आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, सर्वधर्म ही सत्य है। और किसी धर्म के प्रति घृणा रखना, घृणा का भाव रखना, उसको श्री रामकृष्ण कहते थे मतवार बुद्धि, कि हमारा धर्म ही ठीक है, दूसरा धर्म ठीक नहीं है। इसको कहते थे अपने भाषा में मतवार बुद्धि। मतवार बुद्धि का अर्थ होता है कि धर्म, दूसरे धर्म के प्रति हीन बुद्धि करना, दूसरे धर्म के प्रति अश्रद्धा करना, उसको कहते थे श्री रामकृष्ण कि ये मतवार बुद्धि। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि आपस में मत लड़ो, मत झगड़ो, ये सब धर्म ही सत्य है। और उन्होंने उस समय जो बहुत ही आवश्यक था, और वो उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने घोषणा की, जतो मत ततो पथ। बंगला में कहते हैं जतो मत ततो पथ, जतो मत ततो पथ। श्री रामकृष्ण कहते हैं जितने भी मत हैं वो सब मत एक एक पथ है, एक एक रास्ता है, और एक एक रास्ता से कोई भी साधक अगर चाहता है, कोई भी अगर धर्म के अनुयायी चाहता है कि अपने रास्ते से चले, अपना धर्म का आचरण करें, तो आचरण करें और अपने आगे आगे बढ़ेंगे और एक ही सत्य पर पहुंचेंगे, एक ही लक्ष्य पर पहुंचेंगे। क्योंकि सत्य चार या पांच या छह नहीं होता है, सत्य तो एक ही होता है। इसलिए रास्ता भिन्न हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य एक है, सत्य एक है, चाहे हम किसी भी रास्ता से वहां पहुंच सकते हैं। आप यहाँ आना चाहते हैं, रामकृष्ण मिशन आश्रम ये औरंगाबाद आते हैं जहाँ ये स्थित है, यहाँ आप आना चाहते हैं, अब भिन्न भिन्न रास्तों से आप यहाँ आए हैं, अभी भी उपस्थित हुए हैं, भिन्न भिन्न रास्ते से आए होंगे, कोई पाटन से, कभी इधर से, कोई इधर से, कोई उधर से, कोई मैंने गया था आज शहर घूमने के लिए, मैं कोई सिटको से आ रहे हैं, जो होता है क्या उसको सर्कल बोलता है, सर्किट ना क्या जो भी है, कनक सर्कस। तो किसी भी दिशा से आप आ सकते हैं, और आए भी आप आए, और आप एक ही जगह पहुंचे हैं, आपका लक्ष्य एक है कि हमको रामकृष्ण आश्रम जाना है। तो लक्ष्य एक हो सकता है लेकिन पथ आप मत भिन्न भिन्न हो सकता है, और भिन्न भिन्न जो मत है वो तो भिन्न भिन्न पथ है। श्री रामकृष्ण ने यही कहा, केवल कहा नहीं, शायद श्री रामकृष्ण के आगे कोई भी अवतार अपना जीवन में सब धर्म का आचरण नहीं किया है, केवल एकमात्र श्री रामकृष्ण एकमात्र अवतार है जिन्होंने अपने जीवन में हर धर्म का आचरण किया, हर धर्म की उन्होंने साधना की, हिंदू धर्म के तो उन्होंने साधना की, हिंदू धर्म की जितने भी तंत्र मंत्र जितने भी शाखाएं हैं सब की उन्होंने साधना की, केवल हिंदू धर्म की नहीं, ईसाई धर्म की भी साधना की, उन्होंने इस्लाम धर्म की भी साधना की, उन्होंने बौद्ध धर्म की भी साधना की, सब धर्म की उन्होंने साधना की, अपने जीवन में उन्होंने आचरण किया, और आचरण करने के बाद और साधना करने के बाद तब वो कहते हैं जतो मत ततो पथ। ये बहुत बड़ी देन है श्री रामकृष्ण परमहंस की उस समय कि सर्वधर्म समन्वय। और जब धर्म समन्वय की हम बात करते हैं, शायद हमको लगता है समन्वय का अर्थ ऐसा होता है कि उस धर्म से कुछ ले लिया, इस धर्म से कुछ ले लिया और एक खिचड़ी बना दिया, ये धर्म समन्वय नहीं है। धर्म समन्वय का अर्थ होता है सर्व धर्म समभाव, द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में सर्वधर्म समभाव। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं सब धर्म ही सत्य है, कोई धर्म छोटा और कोई धर्म बड़ा नहीं है, सब धर्म ही श्रेष्ठ है और सब धर्म ही सत्य है, और हर एक धर्म से, प्रत्येक धर्म से लोग वहां पहुंच सकते हैं, एक ही लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं, एक ही सत्य पर पहुंच सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो सर्वधर्म समन्वय का जो देन है श्री रामकृष्ण का उस समय, बहुत बड़ा देन है, बहुत बड़ी देन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और ये सर्वधर्म समन्वय का जो संदेश केवल हिंदुओं के लिए नहीं, केवल मुसलमानों के लिए नहीं, केवल ईसाई के लिए नहीं, केवल बौद्ध धर्म के लोग के लिए नहीं, ये तो सबके लिए है। ये तो सर्वधर्म समन्वय का जो संदेश है जो श्री रामकृष्ण देते हैं, ये तो सबके लिए है, सारे विश्व के लोग के लिए है, हर जाति के लोग के लिए है, हर धर्म के लोग के अनुयायी के लिए है ये सर्वधर्म समन्वय, और बहुत आवश्यक भी था उस समय। इस धर्म का जो दंड बहुत दिन से जो चला रहा है, हजारों हजारों साल से चला रहा है, अभी शायद वो बढ़ गया है लेकिन हजारों हजारों साल से चला रहा है,
ऐसा कहा जा रहा है कि इस धर्म अंधता के नाम पर और धर्म के नाम पर और धर्म संकीर्णता के नाम पर सांप्रदायिकता के नाम पर विश्व में जितना रक्त क्षय हुआ है, जितना दंगा फसाद हुआ है, जितना नरसंहार हुआ है, उतना नरसंहार रक्तपात दो विश्व युद्ध में भी नहीं हुआ है, दो विश्व युद्ध भी नहीं हुआ है। अभी भी धर्म के नाम पर एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग के गला काट रहे हैं, मार रहे हैं, उसका कोई भी कारण नहीं है, ऐसा ही मार रहे हैं। कोई उसको समझाया है कि अगर जो भी दूसरे धर्म के लोग है उसको खत्म करो, अगर खत्म करोगे तो तुम ऊपर पहुंच जाओगे, इसके पीछे कारण क्या है? कुछ भी नहीं, ऐसा ही कहते हैं, ऐसा ही कहते हैं, इसका कुछ कारण नहीं है। तो हम देखते हैं इसको धर्मंधता के नाम पर और सांप्रदायिक और संकीर्णता के नाम पर न जाने कितना रक्तपात हो चुका है। इसलिए स्वामी श्री रामकृष्ण कहते हैं कि आपस में मत लड़ो, आपस में मत झगड़ो, और वो कहते हैं शांति पूर्ण रूप से रहो, सब धर्म के अनुयायी लोग रहो। और भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां सब धर्म के लोग शांति से रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं। मैंने तुर्किस्तान गया था कुछ दिन पहले, वहाँ 99% मुसलमान, इस्लामिक कंट्री जिसको हम कहते हैं, मैंने वहाँ प्रवचन दिया और उन्होंने उनको यही कहा कि देखिए भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिस देश में कोई धर्म के लोग बहुत श्रद्धा के साथ रह सकते हैं और बहुत शांति से रह सकते हैं। उन्होंने तालियां बजाई और उन्होंने ये स्वीकार किया कि यहाँ भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ कोई धर्म के लोग, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ज़ोरास्ट्रियनिज्म हो, किसी धर्म के लोग बहुत ही आनंद के साथ और श्रद्धा के साथ और शांति के साथ रह सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है और सही बात है। इसलिए श्री रामकृष्ण उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ये हिंदू धर्म की एक विशेषता है। स्वामी विवेक हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे विशेषता के बारे में, और हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है, और वो विशेषता है क्या? वो विशेषता है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस एंड यूनिवर्सल टॉलरेंस। यह है सहिष्णुता और गृहिष्णुता। गृहिष्णुता का अर्थ होता है कि हम सब धर्म का केवल ग्रहण नहीं करते हैं, सब धर्म को हम सहन करते हैं। किसी भी धर्म को सहन करना, सहन करने का अर्थ होता है हर एक धर्म के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण आए थे उस समय, आवश्यक था, आना आवश्यक था, और वो था सर्वधर्म समन्वय का संदेश लेकर उनको आना था, और उन्होंने सर्वधर्म धर्म का उन्होंने संदेश देके गया, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और भी एक उनका संदेश, जो संदेश उन्होंने उस समय दिया, उन्होंने कहा अच्छा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों मनुष्य जीवन हम धारण किए हैं, क्यों हमें मनुष्य जीवन मिला है, केवल मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है, ये उन्होंने कहा। और ये जीवन का उद्देश्य जो उन्होंने कहा वो उद्देश्य सबके लिए है, केवल हिंदू के लिए नहीं कि मुसलमान के लिए है और ईसाई के लिए नहीं, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य मात्र ही उसका धर्म, उसका जीवन का कोई उद्देश्य होगा। और क्या कहते हैं, मैं एक घटना का जिक्र करूंगा, वो घटना इस प्रकार है, जैसे श्री रामकृष्ण के बहुत सारे भक्त थे, जैसे रामकृष्ण मिशन के बहुत सारे भक्त होंगे, कोई कि हाँ विष्णु पादानंद जी के अपने भी भक्त कुछ होंगे, तो ऐसा ही वो श्री रामकृष्ण के कुछ भक्त थे, और उसमें एक भक्त थे अधर चंद्र सेन, आप बचनामृत में पढ़े होंगे, और अधर चंद्र सेन उस समय डिप्टी मैजिस्ट्रेट थे, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे, और अधर चंद्र सेन श्री रामकृष्ण के परम भक्त थे। अधर चंद्र सेन, जैसे आप लोग हमको, हम लोगों को इन्वाइट करते हैं, तो अधर चंद्र सेन जाके श्री रामकृष्ण से कहा कि महाराज हमारा घर आपको एक दिन आना पड़ेगा। तो श्री रामकृष्ण जाने के लिए राजी हो गए, और श्री रामकृष्ण अधर चंद्र सेन का घर जाते हैं और जाकर वहाँ बैठते हैं, और अधर चंद्र सेन बहुत सारे अपने दोस्तों को भी उन्होंने आमंत्रित किया था, और उनमें से एक दोस्त था जिनका नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी, वो भी डिप्टी मैजिस्ट्रेट थे, उस समय बहुत बड़ा, बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, उनका व्यक्तित्व था, और केवल यही नहीं उस समय वो साहित्य सम्राट कहलाते थे। और आप सभी जानते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय संगीत है वंदे मातरम, इसके रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी, बहुत बड़े आदमी। और बंकिम चंद्र चटर्जी वहाँ आते हैं, और वहाँ आके क्या करते हैं, बैठते हैं, और अधर चंद्र सेन परिचय करा देते हैं कि यह है श्री रामकृष्ण, यह है बंकिम चंद्र चटर्जी, और दोनों से वार्तालाप शुरू होता है। और वार्तालाप होते होते एकाकी श्री रामकृष्ण बंकिम चंद्र चटर्जी से पूछ रहे हैं, अरे बंकिम बाबू बताइए मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे सहज
रूप से, सरल रूप से जो सभी जानते हैं, मनुष्य मात्र ही जानते हैं। अरे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या, बंकिम चंद्र कहते हैं, अरे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, खाना पीना मस्ती मौज करना और दुनिया से चला जाना, टू ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, आहार निद्रा मैथुन भय, जो हम शास्त्र में पाते हैं, यही तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, खाना पीना मस्ती मौज करना, रुपया पैसा कमाना और कमा के फिर ऊपर चले जाना, यही तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। जब ये बातें श्री रामकृष्ण सुनते हैं बंकिमचंद्र चटर्जी से, वो बहुत ही विरक्त होते हैं और व्यक्त होकर गाली देते हैं, बोलते हैं बहुदा कहीं का, तेरे मुंह से यही बात, इतने बड़ा आदमी हो, इतने बड़ा व्यक्तित्व हो और तुम्हारे मुंह से यही बात, कि वो बंगला में कहते तुम तो बड़ा छेछड़ा देखी क्या हंस रहे हैं, छेछड़ा का मैंने जानते हैं छेछड़ा बेहूदे कहीं का हिंदी में जो हम देखा है बचना मृत में, यूर रचेट फेलो, तुम्हारे मुंह से यही बात कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना मस्ती मौज करना रुपया पैसा कमाना और चला जाना, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। अरे बंकिम बाबू सुनो, पैसा से क्या होता है, श्री रामकृष्ण कहते हैं, अरे पैसा से तो कपड़ा लत्ता होता है, पैसा से रहने के लिए मकान होता है, और पैसा से क्या होता है, जमीन जगह ये सब होता है, अरे पैसा से इससे ज्यादा क्या होता है, अरे पैसा मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है, मस्ती मौज करना रुपया पैसा कमाना ये केवल मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। अरे मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो और ऊंचा है, और मनुष्य जीवन का उद्देश्य और ऊंचा है, सुन लो, अगर मनुष्य जीवन का उद्देश्य खाली खाने पीना मस्ती मौज करना, तब मनुष्य और पशु में कोई भी अंतर नहीं है। अरे बाह्य दृष्टि से अगर देखेंगे आप तो मनुष्य और पशु में कोई भी अंतर नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस, अपेरेंटली देयर इज नो डिफरेंस, कोई भी अंतर नहीं है। अरे मनुष्य भी भोजन करता है, पशु भी भोजन करता है, मनुष्य भी आराम करता है, पशु भी आराम करता है, मनुष्य भी सोता है, पशु भी सोता है, अरे मनुष्य अपना जो जैव प्रवृत्ति का निवृत्ति करता है, पशु भी अपना जैव प्रवृत्ति का निवृत्ति करता है, वाच्य दृष्टि से अपरेंटली पशु और मनुष्य में कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। देयर इज अ बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल, पशु और मनुष्य में जरूर अंतर है, और वो अंतर क्या है जानते हैं, भगवान ने हमको एक ऐसा फैकल्टी दिया है, ऐसा गुण दिया है जिस गुण किसी भी पशु में नहीं होता है, केवल मनुष्य में ही होता है, और उस गुण को हम कहते हैं, उस फैकल्टी को हम कहते हैं विवेक बुद्धि विचार बुद्धि, अंग्रेजी में उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी, कोई भी जंतु जानवर कोई भी स्पेसिस में ये फैकल्टी नहीं है, ये गुण नहीं है, केवल मनुष्य में ही एक ये गुण है, जो जिस गुण को हम कहते हैं विवेक बुद्धि विचार बुद्धि, जो विचार कर सकता है, जिसका विवेक है, केवल एकमात्र मनुष्य इस धरातल पर जो विचार कर सकता है, जिसका विवेक बुद्धि है विचार बुद्धि है, इसलिए कहा गया है द मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, भगवान का जो सृष्टि है, भगवान की सृष्टि में मनुष्य के बहुत ही सर्वोत्कृष्ट सृष्टि है, इसलिए सृष्टि है कि मनुष्य विचार कर सकता है, और कोई भी जंतु जानवर कोई विचार नहीं कर सकता। अरे मनुष्य ही विचार कर सकता है, मनुष्य ही सोच सकता है, क्या उसके लिए भला है क्या उसके लिए बुरा है, कोई भी पशु नहीं सोच सकता है, कोई भी पशु विचार नहीं कर सकता, एकमात्र मनुष्य विचार कर सकता है, इसलिए मनुष्य को भगवान ने यह बहुत बड़ा गुण दिया है, यह गॉड गिफ्टेड जिसको हम कहते हैं, बहुत बड़ा गुण दिया है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं जब तुम्हें यह विचार ज्ञान तुम्हें मिला है, विचार बुद्धि विवेक बुद्धि तुम्हें मिला है, इसलिए तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना मस्ती मौज नहीं करना। और श्री राम कृष्ण कहते हैं, बार बार कहते हैं वचनामृति में, आप देखिए बार बार ऐलान करते हैं घोषणा करते हैं, अरे मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है ईश्वर लाभ करना, केवल मस्ती मौज नहीं करना। वो कहते हैं मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है क्या, ईश्वर लाभ करना, भगवान लाभ करना। अब प्रश्न आता है, हम ईश्वर लाभ तो के बारे में जानते हैं, वचनामृत पढ़ते हैं, क्या है ईश्वर लाभ, क्या है ईश्वर लाभ, क्या है भगवान लाभ, भगवान कहीं बाहर बैठे हैं क्या, उसको हम खींच के अंदर लाना है, उसको प्राप्त करना है, नहीं, भगवान तो आपके अंदर में बसे हैं, भगवान आपके अंदर में बसे हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। और श्री रामकृष्ण कहते हैं और स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि धर्म क्या है, धर्म केवल पूजा पाठ व्रत उपवास नहीं है, यह तो धर्म का बाहरी रूप है, धर्म का जो आंतरिक रूप क्या है, धर्म का जो आंतरिक रूप वो है कि धर्म रिलीजन इज रियलाइजेशन, धर्म एक अनुभूति है, धर्म एक अनुभूति का वस्तु, अनुभूति की चीज है, और क्या अनुभूति है, वो है आत्मानुभूति,
धर्म का अर्थ होता है आत्म अनुभूति, आत्मा को अनुभव करना, उसकी अनुभूति होनी चाहिए आपको। और धर्म इसलिए है, उन्होंने कहा है कि रिलीजन इज रियलाइजेशन, धर्म है अनुभव की चीजें और धर्म है अनुभव का वस्तु और वो है आत्म अनुभूति। इसलिए हमें जो चाहिए, हमें क्या भगवान लाभ करते होता है, आत्मा को अनुभव करना, आत्म अनुभूति, अर्थात जैसे हम सुबह बता रहे थे अपने आप को जानना। और हमारे अपने आप को अगर हम जब जानेंगे तब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में एक घटना का उल्लेख करूंगा, यहाँ पत्थर का बहुत काम हो रहा है, पत्थर का काम, और एक बहुत बड़ा चट्टान पत्थर, बहुत सारा चट्टान पत्थर यहाँ पड़ा हुआ है। और क्या करता है, तो चट्टान के पत्थर से जन्ने जाने कितना सुंदर सुंदर गंबुज आ रहा है, शिखर, और कितना सुंदर सुंदर डिजाइन, हाथी, बहुत बहुत अच्छे अच्छे नक्शे कैसे आ रहे हैं, क्या बाहर से कोई लाया क्या, वो पत्थर में ही था। इसलिए माइकल आइंगॉक्स करके बहुत बड़ा स्कल्पचर, उसकी बनी हुई मूर्ति विश्व बाजार में न जाने लाखों लाखों डॉलर से वो बिक्री होती थी। तो माइकल आइंगॉक्स के एक दोस्त ने उससे जाके पूछा, अरे भाई दोस्त माइकल आइंगॉक्स, तुम इतनी बड़ी मूर्ति कैसे बनाते हो, जरा बताओ तो। बोले मैं मूर्ति तो नहीं बनाता हूँ, मैं थोड़ी मूर्ति बनाता हूँ, मैं एक पत्थर का चट्टान लाता हूँ और चट्टान लाके उसका हथौड़ी और छेनी से उसको बस जो ज्यादा पत्थर रहता है उसमें सबको निकाल देता हूँ। और पत्थर धीरे धीरे निकालते निकालते और पत्थर की चट्टान से ही सुंदर सुंदर मूर्ति उभर के आती है। देखो कितना बड़ा बड़ा चट्टान पड़ा हुआ है, तो महाराज ने कितना बड़ा पहाड़ लाके यहाँ खड़ा कर दिया। और क्या उसके अंदर ही सब कुछ है, ये गंबुज है, ये नक्शा है, ये हाथी है, ये सब फूल है, सब कुछ उसमें है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग तो केवल हथौड़ी और छेनी से सुबह से शाम, मैं देख रहा था ऊपर अपना कमरे से, खाली टुकड़ 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 करके सब पत्थर को हटा रहा है। और पत्थर को हटाने के बाद उसी पत्थर के चट्टान से न जाने कितना सुंदर सुंदर फूल डिजाइन वगैरह निकल के आते। इसलिए भगवान हमारे अंदर है, हमारे अंदर बसे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हर मनुष्य में ईश्वर का निवास है, सब में ईश्वर निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं, केवल हमें उसको देखना है, पहचानना है। हम पहचान नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, उसको उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या है, कारण क्या है कि हमारे अंदर भी बहुत बड़ा चट्टान पड़ा हुआ है, फालतू पत्थर पड़ा हुआ है। उस पत्थर को हटाइए, पत्थर का अर्थ होता है हमारे अंदर जो गंदगी है, जो मैला है, उसको हटाइए। श्री रामकृष्ण बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, आप भगवान को देखना चाहते हैं ना, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, सभी हम चाहते हैं कि भगवान का हम दर्शन करें, कैसे दर्शन करेंगे, आपको जो अंदर जो मैला पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, जब अगर शीशा में जब धूल जम जाता है और उस शीशा से आप आपको आपका मुख नहीं दे सकते हैं, आपका जो मुखमंडल है उसमें प्रतिफलित नहीं हो सकता है। इसलिए जब आप गंदी धूल को हटा देंगे, जब आप शीशा को साफ कर देते हैं तब आप अपना मुखमंडल देखते हैं। इसलिए अपने हृदय को पहले साफ करना पड़ेगा। अरे हम स्वच्छ अभियान के बारे में आजकल बहुत चर्चा करते हैं, पता नहीं महाराज यहाँ कुछ प्रोग्राम किया है कि नहीं। अरे बहुत अच्छी बात है ये स्वच्छ अभियान, क्लीन इंडिया कैंपेन, ये बहुत जरूरी भी है, लेकिन ये जो स्वच्छ अभियान है ये तो बाहरी स्वच्छता के लिए है। अरे क्या होगा हमारे आंतरिक स्वच्छता, वो बहुत बड़ी बात है, वो तो बहुत बड़ी बात है। बाहरी अगर स्वच्छता नहीं रही, बाहरी में अगर गंदगी रही, उतना भयानक नहीं है जितना भयानक है हमारे आंतरिक अस्वच्छता। अगर हमारे आंतरिक अस्वच्छता बहुत ही भयानक होता है, अगर हमारे आंतरिक स्वच्छता नहीं है, और आंतरिक अस्वच्छता बाहरी अस्वच्छता से बहुत ही भयानक होता है। और जो भी हम कांड आप देखते हैं सारा देश दुनिया में, कि वो सही इसलिए होता है कि हमारा जो आंतरिक स्वच्छता नहीं है, और आंतरिक भीतर में जो स्वच्छता होनी चाहिए वो नहीं है, इसलिए सब हो रहा है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि भगवान लाभ ही जीवन का उद्देश्य है। और एक संदेश का मैं जिक्र करूंगा जो आप लोग कभी कभी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो भी सार्वभौम संदेश है। कैसे सार्वभौम संदेश है मैं आपको बताऊंगा। आप वचनामृत में पाएंगे श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं कामनी कांचन का त्याग करना। कभी कभी हम नाराज हो जाते हैं, अरे क्या श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं कामनी कांचन का त्याग करना, अरे क्यों कहते हैं, बार बार क्यों कहते हैं,
अरे कामनी कंचन का त्याग इसका मतलब नहीं कि बीवी औरत और स्त्री जाति को त्याग करना, नहीं, स्त्री जाति को त्याग करने के लिए नहीं कहते, कैसे कह सकते हैं? अपने स्त्री को खुद उन्होंने ये किया, क्या नाम, सूर्य रूप से उन्होंने पूजा की, ये संभव नहीं। श्री रामकृष्ण ये कामिनी कांचन घर तो होता है, उसको हम अगर बृहत अर्थ से लें तो कामिनी कांचन घर तो होता है कि कामना और वासनाएं, कामना और वासनाएं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि वो कामना और वासना को त्याग दो अगर तुम शांति चाहते हो, लेकिन ऐसा कोई भी आदमी नहीं है इस धरातल पर जो शांति नहीं चाहता है। सब आदमी शांति चाहता है, इवन कि दुष्ट आदमी जो है वो भी शांति चाहता है। लेकिन अगर हम शांति चाहते हैं, अगर हम सुख चाहते हैं, अगर वो परम सुख और शांति अगर हम चाहते हैं, और सब लोग यही चाहते हैं, कोई भी लोग अशांति नहीं चाहते, तो अगर शांति चाहते हैं तो हमें कामना और वासनाओं पर लगाम देना पड़ेगा। अगर हम कामनाओं पर वासनाओं पर लगाम न देंगे तो हमारा मन अशांत होगा और हमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी और कभी परम सुख हमें नहीं मिलेगा। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि कामना वासनाओं पर लगाम दो। आप प्रश्न करेंगे कि कामना वासना क्या सब छोड़ देंगे, इतना सीधा है क्या? अरे कामना वासना तो होनी चाहिए, हम तो सांसारिक जीव हैं, इस संसार में रहते हैं, हम तो हमें तो कामना वासना तो रहनी चाहिए, या जरूर कामना वासना है, हमें संसार में रहें, परिवार में रहें, कुछ तो कामना वासना है। अरे श्री रामकृष्ण कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी जो कामना और वासनाएं हैं उस पर लगाम दो, चेक जिसको कहते हैं, कामना और वासनाओं पर लगाम दो। अगर लगाम नहीं दोगे तो तुम्हारी दशा क्या होगी जानते हो? तुम्हारी दशा वैसा ही होगा जैसे लगाम के बिना घोड़ा, लगाम के बिना जब घोड़ा होता है तो क्या करता है, क्या बस खत्म, जो उसका चढ़ता है वो खत्म हो जाता है। तो लगाम के बिना जो घोड़ा होता है कितना भयानक होता है, उसी प्रकार लगाम के बिना, चेक के बिना और कामना और वासनाएं होती है तो वो बहुत ही भयानक होता है। और हमारा जीवन कैसे भयानक हो जाता है, हमारा जीवन कैसे टूट जाता है जब हम कामना और वासना के पीछे पड़ते हैं। इसलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं कामना और वासना पर लगाम दो, जरूर कामना वासना होना चाहिए, जो तुम्हारे पास है उसी से तुम संतुष्ट रहो। लेकिन हमारे मनुष्य का जो प्रवृत्ति होती है वो कभी भी अपने पास जो है उसमें कभी भी वो संतुष्ट नहीं होते, कभी भी संतुष्ट नहीं होते। उनके पास BMW गाड़ी है, वो चाहता है कि कब मर्सिडीज बेंज हो जाए, फिर चाहता है कि कैसे लिमोजिन हो जाए, किसी के पास 2 BHK है, 3 कैसे हो जाए, 4 कैसे हो जाए, बैंक बैलेंस 2 करोड़ है तो 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़, हर करोड़ करोड़ करोड़, कोई अंत नहीं है। इसलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं, शास्त्र में कहा गया है कि वासना और कामनाओं का कोई भी अंत नहीं है, कोई भी अंत नहीं है, देयर इज नो एंड। इसलिए हम भर्तृहरि जी, हम जानते हैं जजाति की बातें हम नहीं कहेंगे, सभी आप जानते हैं जजाति के बारे में, आप जरूर जानते हैं कि जजाति जी जो है राजा थे, आप सभी जानते हैं। इसलिए कामना और वासनाओं को अभी कभी भी आप उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं, उसको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। कामना और वासनाएं तो अनंत है, अनंत कामना और वासना है। श्री राम कृष्ण एक कहानी कहते हैं और कहानी कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा, और वो कहानी आप सभी जानते होंगे। कल्पतरु की एक कहानी है और एक कहानी है, एक ग्रीस देश का एक कहानी है। अब कल्पतरु का कहानी आप सभी जानते हैं, मेरे ख्याल से पढ़े लिखे हैं, अब श्री रामकृष्ण के बारे में जानते हैं, विवेकानंद, रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य पढ़ते हैं। और दूसरी जो कहानी है वो कहानी इस प्रकार है, ग्रीस देश का कहानी है। मीडस कह के एक लोभी व्यक्ति था और उसका काम क्या था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सोना इकट्ठा करे, उसको सोना के प्रति बहुत लोभ था। और क्या होता है, वो एक दिन धन देवता के पास चला गया, जैसे हमारे धन देवता कुबेर जी हैं, उसका कोई धन देवता होगा, और उसके पास जाके रहे, प्रभु मुझे एक ही बर दे दो। क्या बर? बोले कि हमें ज्यादा से ज्यादा हमको सोना मिलना चाहिए। तो क्या यही बात है क्या? जाओ, तुमको मैं तथास्तु बर देता हूं, जो भी तुम स्पर्श करोगे वो सोना बन जाएगा। और जब ये बर उनको मिल गया तो मीडस तो नाचते नाचते घर आया रात को, और रात को सोच रहा है, अरे बाप रे बाप क्या हो गया, जब जो भी स्पर्श करेंगे सब सोना हो जाएगा। जब सुबह उठा, मुंह धोने के लिए गया, टूथब्रश निकाला, देखे टूथब्रश सोना हो गया, अरे बाप रे बाप क्या बात है। तो फिर जब पेस्ट निकाला, पेस्ट भी सोना हो गया। अब टूथपेस्ट और सोने का टूथपेस्ट टूथब्रश तो मुंह नहीं धो सकता है, तो मजा तो आ रहा है, आनंद तो हो रहा है। फिर पानी लेने के लिए गया, जैसे टैप खोला पानी भी सोना बन गया।
तो रिमिडस ने मुंह नहीं धो पाया, सूर्य माउथ वॉश नहीं कर पाया, मुंह धो साफ नहीं कर पाया। फिर मिडस जाता है ब्रेकफास्ट के टेबल पर, और न जाने कितने सुंदर सुंदर चीजें रखे हैं, एप्पल, बहुत प्रकार के फल और ब्रेड बटर, ये वो जैम जेली बहुत कर रहा है। जैसे ना एप्पल को पकड़ा, एप्पल सोना बन गया। अरे सोना का एप्पल खा के तो भूख नहीं मिट सकती है ना, तो जो भी स्पर्श करता है सोना हो जाता है। तब मिडस को चिंता हो गई कि ये तो मुश्किल ही हो गया, अरे मैंने मुंह नहीं धो पाया और फिर खाने के लिए आया हूँ ब्रेकफास्ट वो भी नहीं खा पाया, कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर मिडस आगे चलता है और आगे जाके बगीचा में घूमता है, और बगीचा में देखा बहुत सारे गुलाब फूल लगे हुए हैं, और जैसे गुलाब फूल को पकड़ने गया तो गुलाब फूल भी सोना बन गया। अरे ऐसा गुलाब फूल में ना कोई सुगंध, ना कुछ, ना कोई वास, कुछ भी नहीं। अरे हो सकता है सोना का गुलाब तो फिर फूल, तो फिर वो चिंता में पड़ गया, ये तो क्या हो गया मुझे, मैंने ऐसा ही बड़ मांगा, सोना तो मिल रहा है लेकिन ये सोना लेके मैं क्या करूँगा, ना मैं खा सकता हूँ, ना मुंह धो सकता हूँ, ना कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर उस तरफ से उसकी एक लौती बेटी, सुंदर सी एक लौती बेटी दौड़ के आ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से मिडस ने उसको जैसा ही पकड़ा, एक लौती बेटी भी सोना बन गई। तब मिडस ने कहा यह तो बहुत गड़बड़ हो गया, मैंने क्या बर मांगा। और फिर धन देवता के पास जाता है और पूछता है, प्रभु बहुत हो गया और हमें धन नहीं चाहिए, अब यह बर तुम वापस ले लो। श्री रामकृष्ण कहते हैं अगर तुम खाली मांगोगे चाहोगे, दिन भर मांगना चांगना और अपने वासना और कामनाओं को पूर्ति करना, और ऐसा अगर करोगे तुम्हारे भी दशा कल्पतरु जैसा कहानी है वैसा ही होगा, वो जैसे वो पथिक जो था, ट्रैवलर जो था, नहीं तो तुम्हारी जो दशा होगी ये मिडस की तरह तुम्हारी दशा होगी। इसलिए ज्यादा मांगो चांगो नहीं, कामना और वासनाओं पर लगाम लगाओ, और लगाम लगाकर अपना चलो, आनंद करो, खाओ पियो, मस्ती मौज करो। इसलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं, इसलिए कामनी कंचन का उन्होंने त्याग करने बोला है। और फिर एक बात कहकर मैं माने अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैंने बार बार बोला कि विराम दूंगा, महाराज खाली घड़ी देख रहे हैं बेचक से, इसलिए हमको भी विषय बोलना पड़ता है। तो ऐसा है कि क्या बोल रहे थे कि इसलिए ये जो हम कह रहे थे कि कामनी कांचन का त्याग करना, और त्याग का मतलब क्या, जब हम त्याग का बारे में कहते हैं तो ये लगता है कि हम सब छोड़ छाड़ के, घर बार छोड़ छाड़ के चले जाएं, हम जैसे बन जाए तो आश्रम में चले जाएं, गुफा में चले जाएं, हिमालय के गोद में चले जाएं, गुफा में कहीं जंगल में चले जाएं, ध्यान लगा लें, सब कुछ छोड़ छाड़ के। नहीं, श्री रामकृष्ण कभी भी ऐसा नहीं कहा, स्वामी विवेकानंद जी भी ऐसा नहीं कहा, माँ शारदा भी ऐसा नहीं कही कि सब छोड़ छाड़ दो और घर बार छोड़ के, परिवार छोड़ के चले जाओ, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने जो त्याग करने के लिए कहा है, अहंकार का त्याग और आसक्ति का त्याग, यही दोनों त्याग करने के लिए उन्होंने कहा है, यही हमें त्याग करना है। घर बार नहीं छोड़ना है, हमें संसार में रहना है, परिवार में रहना है, सब कुछ करना है, अपनी जिम्मेदारी को निभाना है, लेकिन आसक्त रूप से करना है, करना कठिन है तो भी आसक्त रूप से करना है, और अहंकार का त्याग करना है। यही दो चीज का त्याग करने के लिए श्री रामकृष्ण खास करके कहते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण के जो संदेश है वो संदेश सब सार्वभौम संदेश है। क्यों सार्वभौम संदेश है, कि श्री रामकृष्ण जो शाश्वत धर्म और इटर्नल रिलीजन जो है और रहेगा, अभी भी है, भविष्य में भी रहेगा, पहले भी था, जिसका अस्तित्व जिसको कहते हैं, इसी को कहते हैं शाश्वत इटर्नल रिलीजन, सनातन धर्म, जिसका आदि नहीं, अंत नहीं, जिसका कोई शुरुआत नहीं, कोई शेष नहीं। और श्री रामकृष्ण जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको होता है, जिसको कहते हैं सार्वभौम सत्य का ही उन्होंने प्रचार प्रसार किया, और सार्वभौम सत्य जो है वो सत्य सबके लिए है, सबके ऊपर लागू है, किसी भी देश पर लागू है, किसी भी व्यक्ति पर लागू है, किसी भी संप्रदाय पर लागू है, और किसी भी संप्रदाय देश के जो लोग हैं सबके ऊपर यह लागू है। क्योंकि एक ही घटना, एक ही बात हम कहेंगे, वो है जैसे हम कहते हैं सत्यमेव जयते, यूनिवर्सल ट्रुथ, सत्य की जय जरूर होनी है, आज या कल। हम कहते हैं ये तुम कभी भी झूठ नहीं बोलना, सदा सत्य बोलना, दीज आर ऑल यूनिवर्सल ट्रुथ। ये कोई मुसलमान के लिए कोई दूसरा होगा, और हिंदू के लिए दूसरा होगा, और ईसाई के लिए दूसरा होगा, अमेरिका के जो लोग हैं दूसरा नहीं, एवरीवेयर इट इज सेम। झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, स्पीक ट्रुथ,
डोंट टेल लाई, ये जो है एक हम उदाहरण दिया, यह यूनिवर्सल ट्रूथ। और श्री रामकृष्ण जो है उन्होंने यूनिवर्सल ट्रूथ का ही प्रचार प्रसार किया। समय हो गया है, आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि तीन दिन से आप सब लोग हम दोनों वक्ताओं से और महाराज भी बीच बीच में टिप्पणी देते हैं उनसे भी दो दिन से बहुत धैर्यपूर्वक आपने सुने, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद खास करके देता हूँ विष्णुपादानंद जी से जिन्होंने हमें आमंत्रित किया है यहाँ आपके सम्मुख कुछ कहने के लिए, ठाकुर माँ स्वामी जी के बारे में जो उन्होंने आमंत्रित किया है उसके लिए मैं बहुत ही उनका आभारी हूँ। मैं सुबह जहाँ जब स्पिरिचुअल रिट्रीट हो रहा था तब हम ये बता रहे थे, शायद वो समय नहीं थे आप लोग कोई कोई थे, कि विष्णुपादानंद जी बहुत होशियार है। कैसे होशियार है, उन्होंने हमें आमंत्रित किया है और तीनों दिन लगातार सुबह हमसे बुलवा रहे हैं, आज शाम को सुबह भी बुला रहे हैं। इसलिए वो घटना का हमने जिक्र किया था, बलराम बोस का घटना है, श्री रामकृष्ण जाते हैं उसके सन्यासी शिष्यों के साथ भक्तों के साथ बलराम मंदिर जाते हैं और बलराम मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, खाने का समय पार हो रहा है और उसके साथ जो बाबूराम महाराज, राखाल महाराज, शिवानंद जी महाराज जो भी थे वो कहते हैं कि महाराज अब चलिए, ठाकुर अब चलिए, बहुत देर हो गई है। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं बैठो, ज़्यादा बात मत करो, बलराम ऐसे पैसा दिया है, बुलाया है, खिलाएगा पिलाएगा और किराया देगा, ऐसा देगा क्या, कितना नचाएगा बुलाएगा क्या क्या करवाएगा भगवान जाने, और अभी तुम उठ के चले जाओगे तो किराया कौन देगा। अगर हम अगर नहीं कहेंगे कुछ नहीं बोलेंगे ठीक से तो बोलेंगे कि अभी भी नहीं दिया है प्लेन का किराया, वो बोलेंगे बाद में भी नहीं देंगे। तो इसलिए मैं महाराज को धन्यवाद देता हूँ, आप सबको फिर नमस्कार, धन्यवाद, फिर कभी आएंगे, फिर मिलेंगे, फिर आपसे वार्तालाप करेंगे, नमस्कार।